अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया सम सेमेस्टर की परीक्षा, कहने का मतलब 2, 4 एंड 6 सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, तो दिल थाम के बैठ जाइए। कुछ ऐसी खबर निकल करके आई है BTUP की तरफ से, जो कि उसमें काम करता है उन्होंने बताया है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है दोस्त कि हमारे दोस्त कहते हैं प्रूफ दिखाया करो सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले प्रूफ दिखाना चाहूँगा। 9 मई की खबर आई है, 9 मई 2020 10:30 पे यह खबर आई है, और किस पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, वो है livehindustan.com में पब्लिश हुई है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पॉलिटेक्निक लॉकडाउन मई में ख़त्म हुआ तो जुलाई में होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ लेकर आया हूं, आप आके यहां पे चेक भी कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जहां पे आपको दावा किया जाता है लेकिन सही खबर आपको नहीं मिलती, इसका आपको ध्यान रहे। चलिए आगे बताते हैं क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले बता दूँ, नए हो अगर हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, न्यूज़ वगैरह वीडियो नहीं बन पाने के कारण वहाँ पर दे दी जाती रहती है। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्या खबर आ रही है। पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षाएं अब जुलाई में होंगी। जी हां दोस्तों, किस बेस पे बोला जा रहा है जुलाई में होंगी, आइए बताते हैं। UGC ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, UGC एक बोर्ड आपका है। लॉकडाउन को देखते हुए UGC के निर्देश जारी किए गए हैं कि नया सत्र 2020-21 1 सितंबर से शुरू होगा, जबकि अन्य सभी की कक्षाएँ 1 अगस्त से शुरू होनी है। ऐसे में सत्र में बिना देरी किए परीक्षाएं बाद में भी कराई जा सकती हैं। कहने का मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि भैया सबकी जुलाई में हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग की जुलाई में कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर नहीं हुआ जुलाई में तो आगे भी कराने का प्लान बन रहा है। साथ ही अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ समय से कराई जाए। दोस्त ऐसा इसलिए ना, क्योंकि उनका सिलेक्शन होगा, उनका जैसे काउंसलिंग मतलब जो उनका होगा, वो कंपनी वाले आते हैं, वो भाई लेकर जाएंगे, कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, और साथ में आगे जिसको पढ़ाई करनी है उसके लिए ऐसा किया जा रहा है। इसको लेकर के प्रावधिक शिक्षा परिषद अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी कर रहा है। प्रावधिक शिक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह के मुताबिक अंतिम वर्ष के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश लेने होता है। साथ ही जिन छात्रों का प्लेसमेंट आ चुका है, अर्थात उन्हें नौकरी पर जाना है, इसे देखते हुए परिषद जुलाई में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसमें सबसे पहले अंतिम वर्ष के करीब 50,000 छात्रों की परीक्षाएं कराने का मतलब जो कोशिश है वो की जा रही है, जो अंतिम लास्ट ईयर थर्ड ईयर वाले हैं उनकी बात की जा रही है। समय देखते हुए प्रथम वर्ष के छात्रों की भी परीक्षाएँ जुलाई में कराई जाएंगी। लॉकडाउन बढ़ा तो प्रथम वर्ष के छात्रों की जो परीक्षा है ना वो बाद में कराई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये भी है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की बात की जा रही है। इन दोनों को अगर लॉकडाउन बढ़ा तो बाद में भी कराई जा सकती है। परिषद अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन बढ़ने के बाद परीक्षाओं में बदलाव किया जा सकता है। इसमें प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं अगले सेमेस्टर के साथ कराई जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने पढ़ा है और जब नेक्स्ट वाला पेपर होगा तो उसमें इसको जोड़ करके कराया जा सकता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो उधर टाइम ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, इस कारण से। अंतिम वर्ष की परीक्षा ध्यान दीजिएगा अगले सेमेस्टर में कराई जाएंगी। अगर अंतिम वर्ष की परीक्षा पहले होंगी, वहीं मई में लॉकडाउन खत्म होगा तो जून में सभी पॉलिटेक्निक के प्रैक्टिकल परीक्षाएँ भी करा दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये भी सबसे बड़ी बात है। अगर मई में लॉकडाउन यार खत्म हो जाता है ना, तो जून में मतलब कि मई में तो आपका हो जाएगा, तो आपके जून में प्रैक्टिकल करा करके जुलाई में आपका क्या किया जाएगा, आपका पेपर करा दिया जाएगा। तो गाइस ये रही बड़ी अपडेट, आज की 9 मई को आई थी और हमने आपको 10 मई को बता दिया, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है और काफी पेपर्स में आपको न्यूज मिल जाएंगे। भैया सितंबर में होंगे, अगस्त में होंगे, जी नहीं, अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो परीक्षा गाइस होनी थी ना वो ऑलमोस्ट किसमें, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपकी जुलाई में कराने का पूरा प्रबंधन किया जा रहा है। सो गाइस, आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त को पता चल सके कि भाई ऑफिशियल न्यूज़ निकल करके आई है BTUP की तरफ से, जो कि हिंदुस्तान livehindustan.com में पब्लिश हुई है, आप यहाँ पर आकर देख भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।